आपके अपने चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो आज का विषय है, एक ऐसा विषय है जो मतलब कुछ स्थान इस प्रकार के होते हैं किसी ग्रह के लिए, पर्टिकुलर एक स्थान जैसे या दो स्थान खासकर बुध के लिए, जहाँ पर आके जो है कि वो जो ग्रह है बहुत ही वीक महसूस करता है, बहुत कमजोर महसूस करता है और अपना प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता। उसको समझेंगे कौन कौन से वो स्थान है और कौन 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 सा ग्रह कौन से स्थान पर जाकर अपना ठीक से रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब ये देख लो कि यहाँ पर जो मैंने लिखा भी हुआ है, दिखा भी रखा है कि ये ग्रह इस स्थान में बैठे हुए तो बिल्कुल ही खराब रिजल्ट देंगे। मतलब आपको जो है कि कुंडली पूरी तरीके से जांचनी है, जो दूसरे फैक्टर है उनको देखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहाँ ये ग्रह मैं बताऊंगा वहाँ पर ये बहुत वीक रिजल्ट देंगे और कौन से जगह पर वीक होंगे, कौन सी क्वालिटीज इनकी खराब होंगी, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा मैं। तो देर न करते शुरू करते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि पहला भाव, पहले भाव के अंदर जो हमारे शनिदेव हैं वो जो है नंबर कोई भी हो, यहाँ पर तो मैंने एक नंबर लिखा हुआ तो वो एक नंबर मीन्स पहला भाव, यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ तो एक नंबर में आप बोलोगे कि भाई शनि नीच का है तो वो ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि वो पहला भाव लिखा है मैंने, वहां पर कोई नंबर नहीं है। नंबर यहाँ किसी का तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, कोई भी राशि है नंबर, वो राशि के नंबर होते हैं, वो कोई भी हो। लेकिन हम भाव की बात करेंगे आज, जैसे कि मरण करण स्थान, उस स्थान की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे कि उस भाव के अंदर पर्टिकुलर भाव के अंदर जो है कि वो रिजल्ट जो है कि अपने कमजोर कर देता है या अपने रिजल्ट जो है कि बहुत ही ज्यादा वीक तरीके से देता है, तो उसकी हम आज बात करेंगे। तो हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि वहाँ साइन कौन सा है, हम सब ये देखेंगे कि कौन से भाव में है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड भाव। तो इसमें जो है कि पहले भाव के अंदर शनि जो है वो उसका मरण करण स्थान है, गुरु का तीसरा, बुध का चार और सात। अकेला बुध ऐसा ग्रह है जो दो जगह पे आके इस तरीके के रिजल्ट देता है, कमजोर हो जाता है। उसके बाद जो है कि छठे भाव में हमारा शुक्र और जो सातवें में हमारा मंगल, आठवें में चंद्र, नौ में राहु और बारहवें भाव में सूर्य। तो ये तो बात होगी कि इन इन स्थानों पर आपके जो ये ग्रह अगर बैठे हैं तो वीक अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कि कमजोर अवस्था के अंदर हैं, अपने मत मत करण इसलिए बोला गया कि वो वहां पर जो है कि मृत्यु तुल्य जो होता है एक तरीके से, जैसे कि कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा बीमार है और चारपाई पर लेटा तो किस काम का है, कोई काम करेगा नहीं। लेकिन क्या काम नहीं करेगा और क्या करेगा उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शनि है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसका जो पहला काम है प्रोफेशन का है, हार्ड वर्किंग का है, जो है कि अनुशासन का है, तो यहां आकर वो उसको छोड़ देते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर आके, क्योंकि वो राजा की गद्दी मिल गई है उसको, वहां पर जो है कि जो हमारे जो है कि पहला घर है वो हमारा खुद का है, हार्ड वर्किंग से हर चीजें नहीं होती। तो लेकिन वो हार्ड वर्किंग को ही जो है कि थोड़ा सा लेट कर देगा, यानी कि उस तरीके से जैसे वो काम करता अपने खुद की राशियों में या उच्च की राशियों में उन भावों के अंदर, तो उनमें जो जैसे टेंथ हाउस के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हम नेचुरल जोड़ियाँ जो अपना उसको यूज कर रहे हैं अपने जो खुद के चार्ट को ना लेके, तो वहां पर जाके वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है फर्स्ट हाउस के अंदर। तो जो उसके हार्ड वर्किंग कैपेसिटी है वो हार्ड वर्क ना करके वो कर सकता है लेकिन नहीं करेगा वो इंसान, वो हार्ड वर्किंग में मतलब कोशिश भी करे तो एक दिन दो दिन आप कर भी लोगे तो उसके बाद रेगुलरली वो उसको नहीं फॉलो कर पाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि जैसे हमारे ये गुरु हैं, ये तीसरे भाव के अंदर जो है कि हमारे जो है कि मरण करण स्थान बोला गया इनका, तो वो इसलिए बोला गया कि वो जो वहां पर है जो ज्ञान है, गुरु ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, तो वो जो ज्ञान है उसका तो उसके अंदर हो या ना हो, यानी कि उस तरीके का ज्ञान नहीं हो पाएगा जो दूसरे भाव के अंदर होता है, अल्प ज्ञान होगा। लेकिन परंतु वो तीसरा घर है जो है कि वो जो है कि हमारे मार्स वहां के कारक हैं, तो वो बेमतलब किसी से बहस करना, मतलब कि किसी को भी सलाह देना बेमतलब, कोई सलाह नहीं मांग रहा है तो वो जो है कि उनको परवाह खाम खाम, मतलब अगर कोई नहीं मान रहा तो लड़ना उसके साथ, तो इस तरीके से उस जगह पे मतलब कि वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा जो मेन गुरु जी का काम है वो नहीं करेगा।
वो वहां पर वीक परफॉर्मेंस देगा, जहां पर उसको अपना ज्ञान लगाना है वहां नहीं लगाएगा, उल्टी जगहों पर अपना ज्ञान का प्रयोग करेगा। इस तरीके से होगा इसका, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बंदा है उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी या ज्ञान नहीं होगा, होगा लेकिन वो उसको वेस्ट करेगा, मतलब गलत जगह पे लगाएगा, लड़ाई झगड़े में लगाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा वहां पर बात करते हुए, तो वो उस तरीके से उसको अपना यूज करेगा। इसी प्रकार से बुध है, ये हमारे घर का स्थान है, हमारी मदर का स्थान है, ये हमारे जो है शांत हाउस जो है कि हमारी पत्नी स्थान है, हमारे बिजनेस पार्टनर स्थान, वहां मगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे। बुध वहां पर जो है कि काम करना बंद कर देता है, वहां अगर जो है कि क्या करेगा, बुध जो है कि इस तरीके से दिमाग लगाएगा जो अपने ही परिवार के खिलाफ या अपने जो है पार्टनर या जीवन साथी के खिलाफ दिमाग लगाते होगा, क्या घर की शांति भंग होगी। सेवंथ हाउस में हो तो बिजनेस पार्टनर से अनबन हो जाएगी, अपनी मिसेज से अनबन हो जाएगी, तो इसलिए यानी कि वहां पर सीधे तरीके से काम ना करके जरा हटके काम करने की कोशिश करते हैं, अलग काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कमजोर होते हैं लोग, मतलब काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं, वो इस तरीके से लेके चलेंगे कि ये मरण करण स्थान है, यहाँ पर जो है कि वो अपना फुल जो उनका जो मेन कार्य है, जो उनका जो वहां पर ग्रह का वो नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं दे पाते वहां पर, मतलब उस तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है कि बुद्धि का लगाना रिलेशनशिप में या घर में माता के खिलाफ या परिवार के अपना जो घर का सुख शांति को भंग करने वाली बात होगी, वो यहाँ पर गुरु बुध यही बुद्धि नहीं होगी, लेकिन बुद्धि जो जहां पर ये बैठे वो बुद्धि जो इस तरीके से यूज करेंगे बुद्धि का, जिसकी वजह से वो क्लेश पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अब शुक्र छठे भाव के अंदर आ गया, तो ये रिलेशनशिप का भाव है, प्यार मोहम्मद का कारक है घर है, अब वहां पर सिक्स के अंदर आ गया तो कंपटीशन आ गया, तो वो अपने मिसेज का कंपटीशन करना शुरू कर देगा या अपने पार्टनर का कंपटीशन करना शुरू कर देगा दूसरे कि उससे आप कम है, आंकना शुरू कर देगा उसको, उससे क्या होगा रिलेशनशिप में खराब आना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज है कि वो मतलब कि जो चीज कारक है जिसका जिस वीक ग्रह का उससे अलग चलने की कोशिश करेगा, उसको उसी के अंदर जो है ये अपरिष्ट भाव का कंपटीशन का है और वो प्यार का है, तो वो अपने प्यार को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर दिया, अपनी वाइफ का कारक है वो सातवें भाव का कारक है तो वाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देगा। इस वजह से जो है कि सिक्स जो शुक्र का मेन काम है डिवोशन प्यार, वो उससे थोड़ा भटक जाएगा यहाँ पर। तो उसी तरीके से जो है कि आपका जो मंगल, अब मंगल अगर एनर्जी लेवल अपने पार्टनर के खिलाफ दिखाएगा तो गलत है, पार्टनरशिप में एग्रेशन वैसे ही गलत है, सेवंथ हाउस के अंदर इसलिए मंगल को बोला गया है जो वीक परफॉर्मर है, तो वीक परफॉर्मर इसलिए नहीं है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन वो गलत जगह पे गलत वजह से एनर्जी यूज कर रहा है, तो उसको जो है इसलिए जो है कि वहां पर वो जो है कि रिलेशनशिप बिगाड़ रहा है, तो इसलिए जो और काम के लिए वो अच्छा हो सकता है मंगल, लेकिन जो है कि वो सेवंथ हाउस के अंदर है तो उसके वजह से वो वहां पर वीक परफॉर्मेंस करेगा। तो जिस टाइम महादशा अंतरदशा या जो चार्ट को देखेंगे तो इन जगहों पर जब ग्रह बैठे होंगे तो उस पर ध्यान जरूर देना है कि इसको मतलब ये किस तरीके से हम दशा महादशा के अंदर लगा के तब जो एनालाइज करें, अंतर जो होगा क्या कि वो जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं या जो फलित कर रहे हैं उसके अंदर हेर फेर हो सकता है, यानी कि सही नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आज। उसके बाद राहु नाइन्थ हाउस के अंदर ही हमारे जो है धर्म क्रम का और जो भाव है, और धर्म क्रम के भाव में राहु राहु यानी कि विदेशी जो हमारे धर्म को नहीं मानता, जो हमारे नौ हमारे समाज में फिट नहीं बैठता, तो वह ऐसा व्यक्ति अगर वहां पर होगा तो वो हमारी जो धर्म की मान्यताएं हैं उनके विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करेगा, जो राहु के बारे में बोला जाता है। तो इस प्रकार से राहु जो वहां पर है हमें धर्म से भटका सकता है, तो इस तरीके से जो है कि राहु यहां पर जो है कि जो उसका कार्य है जो मतलब कि मान लीजिए कि वो जो नाइन्थ हाउस के अंदर बैठा था उसको जिस हाउस के अंदर जो ग्रह बैठा है उसको वहां के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ वो उसके विरुद्ध काम करेगा। इस वो एक हमारी जो है भूख है, तो जब दूसरे ग्रहों में बैठता है जब राहु तो वहां की जो इच्छाएं हैं या भूख है उसको बढ़ाता है यहाँ, लेकिन धर्म के भाव में बैठ कर वो धर्म की भूख नहीं बढ़ा रहा हमारे, वो धर्म के प्रति वो मतलब स्थापित नहीं कर, मतलब इस तरीके से नहीं काम करने दे रहा जो कि हमें धर्म के प्रति लगाव हो या हम डेडिकेटेड हो जाए उसके प्रति, वो उसके खिलाफ कार्य करता है। तो इस प्रकार से राहु, इसी प्रकार से सूर्य हमारे जो है कि ट्वेल्थ हाउस के अंदर है, तो सूर्य वहां पर मतलब आपको हो सकता है बहुत ऊंचे पद पे पहुंचा दे, देखा भी गया है,
लेकिन वो वहां पर जो उनका जो स्टेटस है कि लायक इज्जत लेवल है जो उसको डाउन करेगा वहां, यानी कि आपकी पोस्ट ऊंची होगी लेकिन आपको लोग उस इज्जत से नहीं, क्योंकि उस काबिल नहीं हो आप जहां पहुंच गए हो। आपको वो जो स्थान मिला है वो अपनी काबिलियत के ऊपर, तो वहां पर जाकर जब आपको ये पता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है और मेरे को ये पद मिला है, तो वहां पर आपका क्या होगा? आपका जो ईगो है जो होना चाहिए सन के अंदर, आपका जो है वो एक रॉयल्टी है सन की, वो आपके अंदर नजर नहीं आएगी, वो आप खत्म हो चुकी होगी। इस तरीके से रिजल्ट देगा तो वो जब आपको अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप देखोगे इसके अंदर जो मतलब कि जिसकी वो कुंडली है, अगर किसी दूसरे मैटर में देखोगे तो वहां पर जो सूर्य अपनी परफॉर्मेंस वीक कर रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है इन स्थानों का ध्यान रखना है, और इन स्थानों का जो है कि मैंने यहाँ लिख दिया है, यहां पर भी लिखा हुआ है, तो इनका ध्यान रखना है कि उस जगह पे मरण कारण इसलिए बोला कि उस स्थान पे आके एक मरे हुए व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, यानी कि वहां बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मैं चंद्र भूल गया, चंद्रमा जब अष्टम में होता है, तो चंद्रमा जब अष्टम में होता है तो वो मतलब कि ऐसे जगह पे है जो हमारे हिडन थिंग्स हैं, और जहां पर दलदल बोला गया है और जमीन के नीचे का है, वहां जाके जो है कि मन मन का कारक है, तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है चंद्रमा के अंदर। वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में सोचता रहेगा जो उसको नहीं सोचनी चाहिए, उसकी जिंदगी में शायद हो ही ना, लेकिन वो शायद मेरे साथ ये हो जाए, एक खाम बे हो जाएगा, तो उस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो जहां पर भी कहीं मतलब कि किसी ऐसी दशाएं जो 6 और 12 से रिलेटेड हो और चंद्रमा की आ गई, तो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें लेके चलना है, तो इसको जो है कि हमें यह है कि ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मैंने स्थान बताए हैं यहां पर आकर, इन पर्टिकुलर जो मैंने जो मेन ग्रह लिखे हुए हैं जहां जहां पर, वो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप फलित करते हैं। तो आशा है कि जो मैं बताना चाहता था आपको अब तक पहुंचा, तो आगे चाहता हूं। नमस्कार।